प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का पांचवा पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में लेखक ने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में वर्णन कर यह बताना चाहा है कि भले ही संचार साधनों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही हो, लेकिन चिट्ठियों की अपनी दुनिया निराली है। फैक्स, एसएमएस, दूरभाष, ईमेल कितना भी अपना प्रभुत्व जमा ले, लेकिन चिट्ठियों का महत्व कभी कम नहीं हुआ है। पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है। अजीबो गरीब का मतलब है यहाँ पर अनोखी, निराली। तो पत्रों की जो दुनिया है वो निराली या अनोखी है। पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है, यानी कि पत्रों की दुनिया भी अनोखी या निराली है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। और पत्रों का हमारे जीवन में जो महत्व है वो अनादि काल से ही चला आ रहा है, यानी कि प्राचीन काल से ही हमारे जीवन में पत्रों का बहुत ही बड़ा महत्व है। पत्र जो काम कर सकते हैं, जो काम पत्र कर सकते हैं, वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। यानी कि पत्र जो काम कर सकते हैं, पहले पत्र आया करते थे। पत्र आज ही नहीं, प्राचीन काल से ही पत्रों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। जैसे पत्र आता था तो हम किस तरीके से उस पत्र का इंतज़ार करते थे, डाकिये हमारे घर देने आते थे, जो वो एक पत्र प्राप्त करने में या पत्र का इंतज़ार करने में जो हमें एक आनंद की, एक रस की अनुभूति होती थी, वह आज के जो आधुनिक संचार के जो साधन हैं, वह संचार का आधुनिकतम साधन हमें नहीं दे सकता। जैसे मोबाइल है, ये संचार का आधुनिकतम साधन है। जो आनंद हमें संचार के साधनों में नहीं मिलता, संचार के आधुनिक साधनों से जो आनंद हमें नहीं मिलता, वो हमें पत्रों से मिलता है। तो वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। और पत्रों से हमें जो संतोष प्राप्त होता है, जो एक आनंद प्राप्त होता है, वह फोन या एसएमएस का संदेश हमें कहाँ दे सकता है। उससे ये आनंद हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। जैसे कि पहले पत्र आते थे, पत्र का इंतज़ार किया जाता था, हम बार बार राह को निहारते रहते थे कि अब पत्र आने वाला है, तो हम डाकिये का इंतज़ार करते थे। तो जो एक आनंद की अनुभूति हमें होती थी, वो आज फोन या एसएमएस से हमें नहीं होती है। पत्रों को हम रख सकते हैं, पत्र हमारे पास जब पत्र आते हैं तो पत्रों को हम एक जगह पर रख सकते हैं, जबकि एसएमएस के जो संदेश होते हैं उनको हम रख नहीं सकते हैं। पत्र जो रखे होते हैं, हम नए जो पत्र आते हैं उनसे हमें जो आनंद मिलता है, एक उत्साह देखने को मिलता है, और पत्र जो पुराने होते हैं उनको पढ़ कर के हमें पुरानी बातें, पुराने माहौल की स्मरण हमें याद आता है और उससे हमें आनंद प्राप्त होता है। लेकिन वो आनंद हमें एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला का यहाँ पर अर्थ है आरंभ। पत्र एक नया आरंभ शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई
घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होती है। पत्रों का हमारे जीवन में इतना बड़ा महत्व है कि राजनीति में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या कमी है, साहित्य के क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या कमी है, कला के क्षेत्रों में तमाम ऐसी चीज़ें हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, विवाद का मतलब लड़ाई, और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र होते हैं। जब पत्र नहीं होंगे तो किसी की कमी हमें मालूम या किसी की कमी का हमें पता नहीं लग पाएगा, तो फिर विवाद और वो घटनाएं कैसे होंगी। तो पत्र ही एक लड़ाई, एक विवाद और नई घटनाओं को जन्म देते हैं। जो हमारा समाज है वो एक स्वच्छ और सुरक्षित समाज बन पाता है, वो किसकी वजह से, पत्रों की वजह से। अगर पत्र नहीं होंगे, जैसे आज हम मीडिया वाले के पास जाते हैं, मीडिया वाले आते हैं, राजनीति साहित्य कला से संबंधित जो हमें संदेश देते हैं वो हमें पत्रों से ही पता लगता है। अगर वो इस बात का संदेश नहीं देंगे तो हमें गलत और सही का अंदाज़ा नहीं लग पाएगा। तो पत्रों का इतना बड़ा हमारे जीवन में महत्व है। तो नई घटनाओं की जड़ भी पत्र होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और संसार का या विश्व का जो अधिकतम साहित्य है वो किस पर केंद्रित है या किस पर आधारित है, वो पत्रों पर आधारित है। और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है, और मानव सभ्यता के विकास में, उसकी उन्नति में हमारे जो पत्र हैं उन्होंने अनूठी यानी कि अनोखी भूमिका निभाई है, एक अनोखा सहयोग किया है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो सकता है। तो पत्रों का भाव, पत्रों का जो भाव है, पत्रों की जो बातें हैं, पत्रों का जो भाव है, वो सभी जगह एक समान है। संसार में चाहे वो कोई सा देश हो, चाहे भारत हो, चाहे विदेश हो, सभी जगह पत्रों का भाव, एक आनंद, एक भाव समान होता है। भले ही उसका नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन भाषाओं के अनुसार उनका नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन पत्र का भाव तो एक सा ही होता है, एक जैसा होता है। जैसे पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम कहते हैं, जाबू और लेख, तथा तमिल में कणित कहा जाता है। अब यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पत्रों को संस्कृत, उर्दू, कन्नड़, तेलुगु और तमिल में किन नामों से जाना जाता है, तो आप इनका उत्तर देंगे, उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख, तथा तमिल में कणित के नाम से जाना जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। हमें किसी को कोई संदेश नहीं है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। पत्र हैं वो यादों को हमेशा सहेज कर यानी कि संभाल कर रखते हैं। जैसे हमारे पास पत्र आता है तो हम पुराने पत्रों को रख लेते हैं, नए पत्रों को भी रख लेते हैं। पुराने पत्रों को हम पढ़ते हैं, उन्हें पढ़कर हमें जो आनंद होता है, जो आनंद एक रस की जो अनुभूति होती है। इसके बाद जब हम कभी पुराने पत्रों को देखते हैं तो जो पुरानी, जो पिछली हमारी जो यादें हैं वो फिर से तरोताज़ा हो जाती हैं, या फिर से उन बातों की हमें
स्मृति होने लगती है और हमें एक आनंद और एक रस की अनुभूति होने लगती है। तो पत्र हमारी जो यादों को है वो सहेज कर रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, संभाल कर रखते हैं। जो हमारी यादें आजीवन हमारे साथ बनी रहती हैं। लेकिन आज के जो आधुनिक जो संचार के जो साधन हैं वो इस तरीके से हमारी यादों को तरोताज़ा और सहेज कर नहीं रख पाते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है और इसमें किसी को किसी प्रकार का कोई संदेह या शंका नहीं है कि पत्र हमारी बातों को सहेज कर नहीं रखते। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, ये सभी को पता है कि पत्र हमारी यादों को हमारी बातों को सहेज कर रखते हैं। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर व्यक्ति की, हर देश में हर व्यक्ति की एक अपनी पत्र लेखन कला है। पत्र लेखन, पत्र लिखना एक कला होती है। हर कोई व्यक्ति पत्र नहीं लिख सकता। एक जो पत्र में जो भाव होते हैं वो भाव हर कोई व्यक्ति नहीं लिख सकता, क्योंकि पत्र की सीमा होती है और उस सीमाओं में, सीमा के अंदर हमें बहुत कम शब्दों में बहुत अधिक भाव लिखने होते हैं, जो गुण या ये गुण हर किसी के अंदर नहीं होता है। तो हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है, हर व्यक्ति में कला होती है। हर व्यक्ति पत्र नहीं लिख सकता, जिसमें लिखने की कला होती है वही व्यक्ति पत्र लिख सकता है। और हर एक के पत्रों का अपना दायरा और हर एक के पत्रों का अपना एक दायरा होता है। पत्र हम पत्र का एक नियम होता है, एक रूल्स होता है, एक कसौटी होती है, उसी के आधार पर हमें उस पत्र को कसना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जी चाहे जो लिख दिया और पत्र हो गया। तो पत्र का एक दायरा होता है, एक सीमा होती है, उसी सीमा में हमें उस पत्र को लिखना होता है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते हैं। दुनिया भर में करोड़ों जो पत्र हैं वो एक दूसरे को तलाशते हैं। यानी कि पत्र जब आते हैं तो जो डाकिये होते हैं वो पत्रों जिसको भेजा जाता है उन पत्र के मालिकों को या उन जिनके यहाँ ये पत्र जाता है उनको तलाशते रहते हैं। तो रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते रहते हैं। ये जो हैं जो डाकिये वगैरह हैं, जो ये जिनके यहाँ पत्र पहुँचता है या जिन्हें पत्र उपलब्ध कराना है उनको तलाशते रहते हैं। तमाम ठिकाने पहुँचते हैं, तमाम ठिकानों तक पहुँचते हैं और ये पत्र जिसके यहाँ उपलब्ध होता है उनके ठिकानों पर, यानी कि उनके पतों पर या उनके निश्चित स्थान पर पहुँचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं और ऐसा कहा जाता है कि भारत में 4 करोड़ चिट्ठियाँ हैं जो डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं, जो इस बात को साबित करते हैं कि पत्रों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। पत्र कितनी अहमियत रखते हैं, यानी कि पत्रों का कितना महत्व है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हर कार्य या फिर तेज घोड़े रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि संचार का साधन प्राचीन काल में, यानी कि हजारों सालों तक संचार का जो पत्रों के जो आदान प्रदान का जो साधन था वो क्या था, हर कार्य यानी कि डाकिये हुए करते थे, फिर तेज घोड़े, तेज दौड़ने वाले घोड़े, हाथी, कबूतर, ये पत्रों को आदान प्रदान करने के ये साधन हुआ करते थे।
उसके बाद पहिए आए, फिर उसके बाद पहिए आए यानी कि यातायात का विकास हुआ। जब यातायात आया, आधुनिक यातायात के साधन आए जो तेज गति से यानी कि संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते थे। पहिए आए पर रेलवे और तार से सारे भारी बदलाव आया, पर इन सभी संचार के साधनों में रेल और तार से, तार यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होता था, तो इससे रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। पत्रों की दुनिया में भारी बदलाव आया यानी कि तीव्र गति से हमारे पत्रों को, हमारे संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया ले जाया जा सकता था। तार ने रेलों से भी तेज गति में संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। सिलसिला का यहाँ पर यह अर्थ है आरंभ। तो तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद यानी कि संदेश पहुंचाने का आरंभ शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है, और अब वर्तमान समय में टेलीफोन वायरलेस है जो पत्रों की दुनिया को बदल रहा है। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।